हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके का टेस्ट देना है और ये समझना है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ देना है। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। आपको एक एक मार्क्स सेट करते जाना है। यदि आप राइट आंसर करते हैं तो आप लोग पढ़ाई तो डेली करते हैं, लेकिन आप कैसे जज करेंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो आप ये टेस्ट जरूर दीजिए और देखिए आप कितनी बेहतर स्थिति में है। और लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कितने मार्क्स टोटल पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। आपके पास 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ सोचने का। नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा नासिक। अगला प्रश्न है, कोयना बांध स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों राइट आंसर टिक करने के लिए। गुजरात में है या महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, कोयना बांध, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है? आपके पास ऑप्शन है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। आपके पास 5 सेकंड का समय, आप वीडियो पाउज करके रोक कर भी से सोच सकते हैं, समय है आपके पास। तो आई थिंक आप सोच लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पश्चिम। फिर अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के बनने से समुद्री मार्ग द्वारा डैश 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 और डैश 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 के बीच दूरी कम हो गई। आपके पास ऑप्शन है लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप, लंदन चेन्नई। तो आपको राइट आंसर बताना है, स्वेज नहर के बनने से समुद्री मार्ग द्वारा के बीच दूरी कम हो गई है। लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप, लंदन चेन्नई। तो आपको इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लंदन केप ऑफ गुड होप। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस काल में हुआ? प्रथम विश्व युद्ध किस काल में हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1914 से 18, 1919 से 18, 1914 से 1920, 1913 से 1919। आपको राइट आंसर बताना है। आपके पास 5 सेकंड का समय है राइट आंसर टिक करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1914 से 1918। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, बाबर, तैमूर। आपको 4 ऑप्शन में एक राइट आंसर बताना है, अकबर, औरंगजेब, बाबर या तैमूर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाबर। फिर अगला प्रश्न है, नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में दोतित हैं? बताइए कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? आपको सीक्वेंस जमाना है मुगल बादशाहों का कालक्रम का। तो ऑप्शन है आपके पास शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह, शाहजहां। ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। सोच लीजिए आप कि शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह या शाहजहां। लास्ट है बहादुर शाह, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी?
ऑप्शन है आपके पास बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव प्रथम या बालाजी बाजीराव। सोच लीजिए आप जल्दी से, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। और लास्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है दयानंद, विवेकानंद, राजाराम, ईश्वर चंद। आपको राइट आंसर बताना है, 5 सेकंड का समय है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयानंद। तो आई होप दोस्तों आपने कंप्लीट कर लिया होगा जीके टेस्ट। तो आपको ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है कि आप कितने मार्क्स पाए हैं। यदि आप 10 में से 10 पाए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, बेस्ट है। यदि आप 10 में से 7+ आपके आ रहे हैं तो आपके गुड स्कोर हैं, बहुत अच्छे स्कोर हैं। यदि आपके 7 से कम आ रहे हैं दोस्तों तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टेस्ट। तो थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।